गणपति बप्पा मौर्य गणपति बप्पा मौर्य क्या तैयारी आ जाए गणपति बप्पा करना है। 12th ईयर है बप्पा का और बहुत एक्साइटमेंट हर साल ही होती है, इस बार ज़्यादा है कि अभी भी शादी हुई है तो और एक्साइटमेंट है। तो हम दो पहले अकेले करती थी, अब हम दो हैं जो बप्पा की सेवा करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जब आते हैं ना बप्पा तो बहुत खुशियां लेकर आते हैं, तो वही खुशियां आपको चारों तरफ नज़र आएंगी हमारे घर में। और हम बहुत श्रद्धा से हमेशा से गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं और इस साल भी हमारी यही इच्छा है कि बप्पा खुशी खुशी जब जाएं तो बहुत खुशी खुश होकर जाएं। आज बहुत अच्छा डेकोरेशन किया आपने, आपने किया है या ये बहुत ज़्यादा हाथ इसमें अविनाश का है, क्योंकि अविनाश ने और अविनाश के फ्रेंड्स ने मिलकर, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब मिलकर उन्होंने किया है डेकोरेशन। एंड आई होप अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो फिर बस हमारी जो क्या कहते हैं मेहनत है वो कामयाब हो गई है। मैं भी अपने कई सालों से आ रहा हूँ, देखता हूँ इस बार कुछ अलग है गणपति जी। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब शादी हुई तो बहुत सिंपल तरीके से हुई, तो शादी के बाद का पहला हमारा अभी ये गणेश उत्सव है और तो ये था कि एक्साइटमेंट इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत डेकोरेशन अच्छी करें, तो डेकोरेशन करते 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 ऐसी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि शादी अब है, तो पूरा शादी का माहौल अब बना हुआ है। पहले आपको एक आदमी को फैन फॉलोअर, अभी अब दो स्टारों को फैन फॉलोअर, बढ़ा है या घटा आपका? ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई भी फर्क पड़ता है कि आप किसी के साथ हो तो आपकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। मैं तो इस चीज में कभी बिलीव नहीं करती हूँ, अगर आप काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपको मिलता रहेगा, और जो आपके चाहने वाले हैं वो पहले भी वैसे ही रहते हैं और बाद में भी वैसे ही रहते हैं। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि शादी हो गई तो अब इनको चाहना बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो बाबा जी किसमें कितना आशीर्वाद दिया आपको? अभी तो आए हैं तो अभी तो आशीर्वाद लेना है इनसे और बहुत सारी बातें कहनी है इनको। अभी आए हैं और आते ही थोड़ा सा भी तो खिलाया पिलाया जाए बप्पा को। पहला दिन है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कल ही रात को बप्पा को हम लोग लेकर आए और आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पंडित जी ने पूजा कराई है, 5:30 बजे हमारी, तो तब से जगे हुए हैं तो हम लोग खुद भी थके हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बप्पा जब आए हैं तो ये तो बिल्कुल आराम नहीं करने देंगे, अभी नचाएंगे हमें, तो हम नाचने के लिए तैयार हैं। वैसे भी ऑन स्क्रीन नाचते हैं, अभी बप्पा नचाएंगे। लाते समय तो हाँ हम लोग डांस करा था अविनाश, हमने बप्पा को जब हम ला रहे थे डांस किया था ना, आई थिंक अविनाश ने ज्यादा किया था, मैंने थोड़ा किए थे। अविनाश क्या होता कि जाते वक्त हम लोग ज्यादा डांस करते हैं, तो मैं जाते वक्त मुझे मौका नहीं मिलता क्योंकि ये खुद इतना डांस करती है कि फिर किसी को भी अच्छी डांसर, इसलिए मैं पूछा कि कहीं डांस होती है। हाँ नहीं, कल 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 किया जाते वक्त किसी को मौका नहीं देती है, तो मैंने सोचा कि बप्पा को लाते वक्त ही हम थोड़ा सा डांस कर लें, तो क्योंकि जाते वक्त तो ये पूरा मतलब ऐसा थोड़ी है कि सड़क पे लेट लेट के कहीं नाच रही है। डेकोरेशन आपने किया है? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और अपने आप बप्पा ने भी ऐसा माहौल बना दिया है कि सच में उन्होंने ये बता दिया है कि एक्चुअली शादी के बाद पहला गणपति है, क्योंकि चीजें अपने आप, डेकोरेशन इतनी अच्छी, बप्पा का एक इस बार नया हमने चीज़ डिसाइड की कि बप्पा को मंदिर में रखेंगे। पहले हम बैकग्राउंड डिसाइड करते थे, बप्पा ने सब कुछ खुद ही ऐसा करवा दिया कि ये ऐसा लग रहा है कि पहला गणपति है शादी के बाद, और इतना इसलिए इतना मजा आ रहा है हमको। इंडिया में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, बप्पा से कुछ कहेंगे सुधारने के लिए? कांड देखिए बप्पा कांड करने वाले आपके सामने हैं, मैं तो सबसे ज्यादा कांड करती हूँ, लेकिन हाँ जो जितना अगर आप बुराइयों की बात करें, जो भी बुराइयां हैं, कहते हैं ना कि बप्पा आए हैं तो जाते जाते अपने साथ सारी बुराइयां लेकर जाएंगे और लोगों के जीवन में खुशियां भर के जाएंगे, तो मैं यही प्रे करती हूँ इस गणेश उत्सव पे कि लोगों के जीवन में खुशियां हों और जितनी भी बुराई हैं हमारी जिंदगियों में और जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं
वो जल्दी से जल्दी मिट जाए। अभी कल डेढ़ दिन का विसर्जन होगा, विसर्जन करने वाले लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े शांति प्रिय होते हैं, बड़े पीस लविंग होते हैं, तो कोशिश करना कि साउंडलेस विसर्जन हो, साउंड वाला विसर्जन ज़्यादा ना करें। सड़कों पर लोग थोड़ा जाम जो है वो कम लगाएं, कम लगाएं, बल्कि क्योंकि हम लोग कल भी देख रहे थे कि एम्बुलेंस हमारे पीछे थी। सड़क पर आएंगे तो जाम तो लगेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है डेफिनेटली, लेकिन लेकिन थोड़ा सा लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप बप्पा को ला रहे हैं ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं। जिस वक्त आप इतनी खुशी मना रहे हैं बप्पा को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, उसी वक्त कोई और भी हो सकता है जिसको बहुत जल्दी हो और वो किसी परेशानी में हो, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक थोड़ा कम लगाया जाए। तो कल आप लोग खूब झूमने वाले हैं? नहीं, हमारे 5 दिन के गणपति हैं। अच्छा, 5 दिन का है। 9 तारीख हमारे वहाँ आराम से बैठे हैं, आराम से। चलिए, आप लोग दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, दोनों साथ में गणपति मना रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।